मेरे दोस्तों, कौन है ऐसा भारत में जो मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं जानता। करोड़ों चाहने वाले उनके पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। और दोस्तों, वो मखमली आवाज़ जिसने हमें प्यार के रंग दिखाए, तो कभी हमारे टूटे हुए दिल के लिए मरहम का काम किया। जब कभी हमारे घर में हमारे बच्चे का बर्थडे आया तो रफी साहब का गाना याद आया। तारे कितने दिल गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तेरी उम्र हो इतनी साल जितने नील गगन पे तारे। और जब हमें कभी अपने रूठे हुए महबूब को मनाने की बारी आई तो हमने गाना गाया या सुना कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। और कभी जब दर्द में डूबी हुई आवाज सुनी, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, तो प्रेमियों के दिलों में एक जोश भर गया। और कभी जब हमने वतन पे कुर्बान होने का जज्बा देखा रफी साहब के गानों में, तो हमें गाना याद आया, कर चले हम फिदा जान तन साथियों। हकीकत फिल्म का कौन सा गाना, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और जब किसी ने अपने महबूब को रात की तन्हाई में मिलने के लिए बुलाया और उसे गाना याद आया, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और जब हम अपने हकीकी रब की इबादत में मशगूल होने के लिए बढ़े, तो वहाँ पर भी रफ़ी साहब के कुछ गीत हमें सुनने को मिल जाया करते हैं, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो ऐसे रफ़ी साहब जिन्होंने लाजवाब गाने फिल्म इंडस्ट्रीज को, भारत को दिए और दुनिया के संगीत प्रेमियों तक अपने गीतों से अपनी एक अलग पहचान बनाई, उन्हीं मोहम्मद रफ़ी साहब को आज तक अपने देश के अंदर भारत रत्न भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, उन्हें दिया जाना चाहिए भारत रत्न, मैं इस बारे में बात करूंगा। मेरे दोस्तों, मैं सलीम अहमद रफ़ी साहब का ज़बरदस्त फ़ैन हूं और उन्हें अपना गुरु मानता हूं। पर मैं ये समझता हूं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो अचीवमेंट रहा है संगीत की तरफ, वो एक लाजवाब है। और वो शख्सियत भी ऐसी ही रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि उन्होंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है। और मेरे दोस्तों, ये आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जिसे दुनिया भर में सुना जाता है। रफ़ी साहब के करोड़ों चाहने वाले हैं जो उन्हें दुनिया भर में सुनते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर उनका दिल भर आता है। आज भी जब वो मेरे अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते हैं तो वो लोग आत्मविभोर हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ रफ़ी साहब के संगीत को, गीत को युवा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि रफ़ी साहब ने वो गाने गाए हैं कि जो गाने दिल को छूते हैं। और दिल को छूने वाला संगीत सलामत रहे, लोगों तक पहुंचता रहे, रफ़ी साहब कौन है, क्या है, लोग ना भूलें, बस मेरी ये कोशिश है। जैसे कि रफ़ी साहब के करोड़ों चाहने वाले हैं, मैं भी रफ़ी साहब का एक चाहने वाला हूं। तो मैं दोस्तों आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाना सही है, और अगर सही है तो फिर इतनी देर क्यों की जा रही है। बहुत पहले ही वो इसके हकदार हैं, लेकिन कुछ है, पता नहीं क्या हो जाता है कि उनको भारत रत्न नहीं दिया जाता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, एक दिन आएगा। उनके फैंस ये बात चाहते हैं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले, और वो तो मिलकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई तो देगा, कोई तो सरकार ऐसी आएगी जो मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड से नवाजेगी। मेरे दोस्तों, अब अपने भाई को इजाज़त दीजिए।